नमस्कार बहुप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार अब किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य से इस योजना का लाभ देने जा रही है, जिससे किसानों को काफी मदद मिले। सरकार पहले से ही किसानों को लाभ देने का काम करती आई है। इसी बीच अब सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए नई घोषणा कर दी है, जिसके तहत ही अब सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने के बाद किसानों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अपील की है, जिसके बाद कीमत आधा भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कि एक ट्रैक्टर की अब जो भी कीमत होगी उसमें से आधा हिस्सा किसान देंगे, तो वहीं आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देने वाली है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20-50% तक सब्सिडी देने वाली है। पीएम किसान योजना के तहत ही किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डालने की शुरुआत की गई थी। किसानों की खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत होती ही है, जो जिला स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। किसानों की मदद के लिए ही अब केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा दिए जाने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी किसान है तो किसानी के लिए खेती के दौरान ट्रैक्टर बेहद ही जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे भी हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या फिर बैलों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार किसानों की मदद को लेकर ये योजना पेश करने जा रही है, जिसके तहत ही अब सरकार किसानों को आधे दाम में ट्रैक्टर दिलवाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से ये सब्सिडी एक ट्रैक्टर खरीदने पर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होना अहम है। इस योजना के तहत ही किसान अब किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को और भी कई फायदे दिए जाते हैं, जिसके तहत ही किसान क्रेडिट योजना, कृषि संचालन के लिए ऋण योजना, बीज योजना, प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना, कृषि के लिए मूल्य नीति, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के अंतर्गत लागत मानक और सहायता, कृषि विपणन, चारा और चारा विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, पशुधन बीमा योजना, पौध संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन समेत अन्य योजनाएं किसानों की आय में वृद्धि के लिहाज से चलाई जा रही है। जिसके बाद सरकार के इस नए पहल से उम्मीद है कि किसान आसानी से ट्रैक्टर भी खरीद सकेंगे और खेती में इसका उपयोग भी कर सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।